कांग्रेस पार्टी का ये मानना है कि जो बिल 5 अगस्त 2019 को लाया गया और पारित किया गया लोकतांत्रिक तरीके से नहीं हुआ, जबरदस्ती जो ब्रूट मेजोरिटी था लोकसभा में और राज्यसभा में, बिना विचार विमर्श के, बिना प्रावधान के, एग्जामिनेशन के, विश्लेषण के वो बिल पारित किया। सबसे बड़ी बात यह है कि जम्मू और कश्मीर स्टेट था, फुल फ्लेज्ड स्टेट था, उसको यूटी बनाया गया। वो बिल्कुल हम उसके खिलाफ हैं। हम चाहते हैं कि जम्मू और कश्मीर में फिर से लोकतांत्रिक प्रक्रिया की शुरुआत हो और पूरा स्टेट का दर्जा दिया जाए। आपने 370 का सवाल उठाया। हमारे देश में, हमारे संविधान में अगर आप आर्टिकल 371 देखें, 371 देखें और पढ़ें, मिजोरम, मणिपुर, मेघालय, त्रिपुरा, हिमाचल प्रदेश, गोवा, सिक्किम, असम के कुछ इलाके, कर्नाटक के कुछ इलाके, हैदराबाद कर्नाटक रीजन, उनके लिए आर्टिकल 371 में विशेष प्रावधान किए गए हैं। आपका सवाल जवाब मिल गया ना? मैं आपको कह रहा हूं, आप 370 की बात कर रहे हैं, मैं 371 की बात कर रहा हूं। 371 में हमारे देश के कई राज्यों के लिए और कई राज्यों के विशेष इलाकों के लिए प्रावधान किया गया है।